हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है कैसे जो किसी यूट्यूब चैनल पे। तो आज की वीडियो में काफ़ी बेहतरीन जॉब अपडेट लेकर आया हूँ आपके लिए, जो कि है बीपीएससी की तरफ से। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इक्केस एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर कि काफ़ी सारे बेहतरीन जॉब अपडेट जितने भी आते हैं सारे के सारे जॉब अपडेट आपको यहाँ पर दिए जाते हैं टाइम टू टाइम। तो आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को प्रेस कर देना है, और यहाँ पर काफ़ी सारे एजुकेशनल वीडियोज भी आते रहते हैं, वो भी देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम आपका नहीं लेते हुए मैं सीधा का सीधा आज के जो अपडेट है जॉब अपडेट उस पर चलता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी की तरफ से जो वैकेंसी आई है वो है प्रोजेक्ट मैनेजर की वैकेंसी। लिखा हुआ है विज्ञापन संख्या है 2020 उद्योग भवन बिहार के अंतर्गत जिला उद्योग केंद्रों में परियोजना प्रबंधक के 69 रिक्त पदों पे सीधी नियुक्ति जो है आ रही है। ऑनलाइन आवेदन के लिए आमंत्रित किया गया है। अब ये जो विज्ञापन संख्या है इसकी जो नोटिस जो है रीओपन की गई है, तो चलिए रीओपन वाले नोटिस पे चलते हैं। ये आपको कह रहा है कि जो विज्ञापन संख्या सेम टू सेम वही है, अब 69 पद जो आए हैं उसके लिए जो अब नया जो वैकेंसी निकाला गया है तो उसका ऑनलाइन आवेदन संबंधी प्रक्रिया जो है, जो पूर्व निर्धारित तिथि थी वो दिया गया कि रजिस्ट्रेशन पंजीकरण की तिथि जो ये थी पहले रजिस्ट्रेशन की ये डेट है, उसके बाद इच्छा शुल्क भुगतान करने की तिथि की बात करें तो 6/3/2020 पहले थी, लेकिन अब की जो है वो हो गई है 6 मई 2020 से लेकर 15 मई 2020 तक आप जो है फी पे कर सकते हैं। उसके बाद ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि की अगर बात करें तो पहले ये थी, अब जो है इसको 7/5/2020 से लेकर 22/5/2020 तक कर दिया गया है। तो आपको ये वाली डेट जो है ना, ये वाली डेट आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। आप ये वाली डेट ध्यान में रख सकते हैं कि ये जो है आपका मेन डेट की बात करें तो ये है अब न्यू डेट, तो आप इसको ध्यान में लेकर चलेंगे कि आपको रजिस्ट्रेशन कब से कब, तो 5 मई 2020 से लेकर 9 मई 2020 तक आपको रजिस्ट्रेशन कर देना है। उसके बाद बात करें परीक्षा शुल्क की भुगतान की तिथि है 6 मई 2020 से 15 मई 2020 तक आप परीक्षा शुल्क जमा करेंगे। उसके बाद क्या होगा, आप 7 मई 2020 से लेकर के आप 22 मई 2020 तक क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि ये दी गई है, इस बीच में आप ऑनलाइन आवेदन भर सकते हैं। तो चलिए अब जो है नोटिस निकाला गया तो उस पर चलते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि ऑनलाइन जो वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट है वो www.bpsc.bis.nic.in पे ये सारे के सारे जो है नोटिफिकेशन आपको मिल जाएंगे। संख्या की बात करें तो 69 पद यहाँ पे है, और किस कैटेगरी में कितने पद हैं अनारक्षित के लिए, कुल पदों की संख्या 28 है। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आरक्षण फलस्वरूप कुल पदों में से महिलाओं के लिए 35% जो है आरक्षण दिया गया है, जिसमें से 10 पद जो है महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इसी तरह आप डिफरेंट डिफरेंट जितने भी पद हैं उन सब के लिए जो है संख्या देख सकते हैं, टोटल 69 है और कैटेगरी वाइज यहाँ पर दिया हुआ है, और महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित हैं तो 24 ऐसे पद हैं जो महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं यहाँ पर। उसके बाद आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए भी यहाँ पर आरक्षण का कुल पद कितने हैं वो दिए हुए हैं। उसके बाद अगर बात करें वेतन मान की तो काफ़ी बढ़िया पे बैंड, अगर 9300 से लेकर 34800 का पे बैंड आपको मिल जाए, ग्रेड पे 4800 है, और जो है लेवल कितने 9 लेवल की जो है सैलरी आपको मिलेगी यहाँ पे अगर आपका सिलेक्शन होता है तो। अनिवार्य योग्यता की अगर हम बात करें तो अनिवार्य योग्यता में मैकेनिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या फिर सिविल इंजीनियरिंग या मेटलॉजिकल इंजीनियरिंग या फिर टेक्सटाइल इंजीनियरिंग या केमिकल इंजीनियरिंग या कंप्यूटर इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रॉनिक्स एवं टेली कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग या फिर इंजीनियरिंग की किसी भी अन्य शाखा में कम से कम द्वितीय श्रेणी की या फिर समकक्ष डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या नहीं तो आप इसमें से और भी सारे दिए हुए हैं कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आप इकोनॉमिक्स में या फिर गणित में या फिर सांख्यिकी या भौतिकी विज्ञान या रसायन में किसी में कम से कम सेकेंड डिवीजन की डिग्री आपकी ऑनर्स डिग्री होनी चाहिए आपके पास, या फिर बहुत सारे यहाँ पर चीज़ें दी हुई कि MBA की डिग्री हो या PG डिग्री हो, और बाकी डिटेल यहां पे दिया हुआ है, आप अपने अनुसार जो है यहां से देख सकते हैं इसको डाउनलोड करके, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सारी की सारी डिग्री यहाँ पे दी हुई है, आप इसको डिटेल में वहाँ से देख सकते हैं। सीमा की बात करें तो ये जो डेट है ये पुराना डेट है, तो नया डेट क्या है कि 1 अगस्त 2020 के अनुसार आपकी उम्र जो है मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, और मैक्सिमम एज अगर अनारक्षित पुरुष हैं आप तो 37 साल आपकी एज होनी चाहिए। अगर आप जो है पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ठीक है, पुरुष महिला कोई भी हो या फिर अनारक्षित यानी जनरल कैटेगरी की जो महिलाएँ हैं उनके लिए एज लिमिट जो है 40 ईयर्स रखी गई है, ठीक है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए 42 ईयर्स रखी गई है।
उसके बाद बाकी डिटेल जो है आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं कि अगर आप इसके अलावा किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अगर उम्र में आपको जो है कोई भी जानकारी चाहिए तो सारे के सारे डिटेल यहाँ पे दी हुई है। बात करते हैं चयन प्रक्रिया की, तो चयन प्रक्रिया में आप देख सकते हैं कि जो विज्ञापित पद हैं उन पर नियुक्ति हेतु प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। पहले प्री का एग्जाम लिया जाएगा जिसमें केवल और केवल सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे भारतीय अर्थशास्त्र एवं उद्योग से 70 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, समसामयिक घटनाएं राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिससे 40 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, मानसिक क्षमता की जांच करने के लिए आपको 40 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। परीक्षा की अवधि जो है 2 घंटे 15 मिनट की होगी प्री के एग्जाम। अगर आप प्री एग्जाम को जो है क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद आपको लिखित परीक्षा यानी मेंस के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद मौखिक इंटरव्यू होगा। अब बात करते हैं कि जो मेंस परीक्षा यानी लिखित एग्जाम होगा उसमें 4 विषय की होगी, ठीक है। विषय कौन कौन सी होगी तो यहाँ पे सारी की सारी डिटेल दी हुई है कि अनिवार्य विषय उसमें 3 तो अनिवार्य विषय होंगे, सामान्य हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान, जो कि 3 घंटे का पेपर होगा तीनों का। उसके बाद बात करें पूर्णांक का, तो इसमें 100 अंक जो है हिंदी और अंग्रेजी पूछे जाएंगे, बाकी सामान्य ज्ञान आपका 200 अंकों का पूछा जाएगा। उसके बाद वैकल्पिक विषयों की अगर हम बात करें तो वैकल्पिक विषय यानी कि आपको इसमें से किसी एक को चयन करना पड़ेगा, यानी जो भी आपका जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट लेना है इसमें लिस्ट दिया हुआ है, आप यहाँ से देख सकते हैं, आप अपने स्ट्रीम के अनुसार या फिर आपके पसंद के अनुसार यहाँ से चयन कर सकते हैं। जो 3 घंटे का एग्जाम इसका लिया जाएगा और 200 अंकों का होगा पेपर। अब कह रहा है कि उपयुक्त अंकित सभी विषय का विस्तृत पाठ्यक्रम जो है आपको www.bpsc.pis.nic.in पे उपलब्ध है, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इसका जो सिलेबस है पाठ्यक्रम का वो बिहार न्यायिक सेवा मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जो होता है उसके अनुसार ही निर्धारित रहेगा। उसके बाद कहा गया कि हिंदी एवं अंग्रेजी की जो परीक्षा होगी उसमें 40 अंक प्राप्त कर उत्तीर्ण होना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। इसका मेघा सूची से कोई रिलेशन नहीं है, मतलब मेघा सूची में ये अंक जुड़ेंगे नहीं, लेकिन आपको 40% अंक लाने पड़ेंगे अनिवार्य हैं हिंदी एवं अंग्रेजी में। अब आगे प्रक्रिया की बात करें तो लिखित परीक्षा जो होगी उसके अनुसार अब क्या होगा कि जितना पद है उसमें क्या होगा कि लिखित परीक्षा से 3 गुना स्टूडेंट को मौखिक एग्जाम के लिए यानी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कह रहे हैं कि मौखिक परीक्षा जो है 100 अंकों का होगा। उसके बाद लिखित परीक्षा के जो सामान्य ज्ञान एवं वैकल्पिक विषय के प्राप्तांक जो होंगे तथा मौखिक परीक्षा के प्राप्तांक तीनों को जोड़कर जो है आपकी अंतिम मेघा सूची बनाई जाएगी वहाँ पे। तो आप ध्यान से ये सारे डिटेल को आप जो है पढ़ के और तभी जाके आप समझें कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट को किस तरह तैयार करना है। उसके बाद बात करें अगर हम आगे इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो आरक्षण, अगर आप बिहार राज्य के निवासी हैं तो आपको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा, आप इस डिटेल में यहां से पढ़ सकते हैं इस चीज़ को। अब आगे बात करते हैं परीक्षा शुल्क की, तो अगर सामान्य अभ्यर्थियां जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 600 रुपये देने पड़ेंगे और केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए 150 रुपये रखी गई। तो यानी कि अगर आप OBC या जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 600 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और बिहार राज्य के अस्थायी निवासी सभी आरक्षित अनारक्षित वर्ग की जो महिला उम्मीदवार हैं उनके लिए 150 रुपये फी रखी गई है। दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए भी 150 फी रखी गई है। अन्य सभी कैंडिडेट अगर अदर स्टेट के हैं तो उनको 600 रुपये पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आगे हम इसमें बात करते हैं डेट की, तो डेट जो है ये डेट मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये जो है पुराना डेट है, तो जो नया डेट था वो मैंने पहले यहाँ पे आप लोगों को बता दिया था, तो आप ध्यान में रखें ये डेट जो है नया वाला पहले से मैं बता रखा हूँ आपको। आप ये बात ध्यान रख सकते हैं कि जिस तिथि को रजिस्ट्रेशन आप करेंगे उसके अगले तिथि को क्या होगा कि पूर्वाह्न 11 बजे के बाद आप परीक्षा शुल्क जो है ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, और जिस दिन भुगतान आप करेंगे उसके अगले दिन 11 बजे आपको क्या होगा कि एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए लिंक एक्टिवेट कर दिया जाएगा। तो आप इस बात का ध्यान रखें, आप घबराएं नहीं, आप रजिस्ट्रेशन कर लें, उसके एक दिन बाद जो है 11 बजे से आप फी पे कर सकते हैं, उसके अगले दिन जो है 11 बजे से आप क्या कर सकते हैं फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखें, घबराएं नहीं बिल्कुल भी, इसलिए मैं बोलता हूँ कि स्किप किए बिना पूरा वीडियो देखा कीजिए ताकि सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाए। बाकी आप यहाँ से किस टाइप की जो है चीज़ें लगेंगी आपको, ईमेल आईडी मोबाइल नंबर किस तरह से भरना है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी, आप डिटेल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। जितने भी महत्वपूर्ण निर्देश हैं आप यहाँ से पढ़ सकते हैं कि इसमें क्या क्या लिखा गया है, ये सारी की सारी जो है जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप एक एक चीज़ को यहाँ पे दिया हुआ है इसमें आप सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। अब तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए KS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को, और काफ़ी सारे महत्वपूर्ण जो है अपडेट इस पर आते रहते हैं, तो आप बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आने वाले समय में काफ़ी सारे जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट हो सब आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, अच्छा लगा वीडियो तो लाइक भी जरूर करके जाना आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।